मित्रों नमस्कार, मैं भरत राणेजा शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ सफ़ेद आग के बारे में, जिसे हम श्वेत अर्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नीले जहरीले रंग के फूलों वाला आग तो हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है, पर सफ़ेद रंग के फूलों वाला आग बहुत कम जगह पाया जाता है। सफ़ेद आग के महत्व के बारे में बात करते हैं। इसकी जड़ सूंड जैसा आकार होता है। भगवान श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि के दाता माना जाता है। इसी प्रकार श्वेतार्क नामक जड़ श्री गणेश जी का रूप मानी जाती है। श्वेतार्क सौभाग्यदायक व प्रसिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। सफ़ेद आग के फूल भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। सफ़ेद आग की जड़ गणेश जी की मूर्ति बनाकर घर में स्थापित की जाएं तो रिद्धि सिद्धि में वृद्धि होती है, कभी धन की कमी नहीं रहती है। और सफ़ेद आग की जड़ ऊपरी बाधा और नज़र दोष से मुक्ति हेतु अच्छी रहती है। विद्या और नौकरी की समस्या के लिए भी श्वेत आर्क का प्रयोग किया जा सकता है। जिन भाइयों और बहनों की शादी नहीं हो रही है या वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, वे श्वेत आर्क की पूजा करें तो उनकी मनोकामना जल्द पूरी होती है, जीवन सुखमय हो जाता है। जिन भाइयों को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, वे श्वेत आर्क की पूजा करें तो उन्हें जरूर कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। श्वेत आर्क गणपति की पूजा करने का सबसे शुभ दिन होता है गणेश चतुर्थी या शनिवार और पुष्य नक्षत्र अथवा पुष्य नक्षत्र और बुधवार। इस दिन आपको श्वेत आर्क गणपति की स्थापना करनी है। उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके पूजा स्थान के समीप आसन बिछा कर आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। फिर एक पाटे पर श्वेत आर्क के बने हुए गणपति जी की मूर्ति को रखना है। उन्हें गंगा जल से स्नान करवाना है। गाय के घी में सिंदूर मिलाकर लेप बना लें। उस लेप को श्वेतार गणपति की जड़ पर ठीक से लगा दें। वस्त्र के रूप में गणपति जी को जनेऊ अर्पित करें और पीले पुष्प चढ़ाएं। पान सुपारी नारियल गुड़ धाणा गन्ने की गंडेरी नैवेद्य का भोग चढ़ाएं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप लगाएं और गणेश जी की ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र से एक माला कर दें और फिर गणेश जी की आरती कर दें। उसके बाद में आप गणपति जी को पाटे से उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और फिर आपको किसी भी काम में बाधा आ रही है तो श्वेतार जी की पूजा कीजिए। श्वेतार गणेश जी जो हैं आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे।